हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली कैसे हो आप सब ऐसा करती हूँ बढ़िया ही होंगे तो आज की वीडियो में जो भी टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ आपको काफ़ी पसंद आने वाले हैं सबसे पहला टिप्स है मेरा नेल पेंट को लेकर अक्सर होता है क्या हम नेल पेंट ना कुछ दिन तक लगाना छोड़ देते हैं तो होता है ये जो उसकी नेल पेंट के ऊपर की कैप होती है ना वो टाइट हो जाती है और जब हम लगाते हैं तो खुलती ही नहीं है हम परेशान हो जाते हैं यहाँ तक कि कभी कभी इतना परेशान हो जाते हैं कि हम नेल पेंट लगा ही नहीं पाते हैं ऐसे होता है ना फ्रेंड तो आपने करना क्या है आपने लेने हैं दो रबड़ के छल्ले इस तरीके से हमारे घर में मिल ही जाते हैं ये बस इसको आप टाइटली इसके ढक्कन पर लगा दीजिए कुछ इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पर अभी लगाया है बस फ्रेंड इसी का जादू देखिएगा आप जैसे ही आप इसे घुमाएंगे ना आपका हाथ फिज नहीं बिल्कुल आपका ढक्कन मिनट से पहले यानी खुल जाएगा मिनटों में ही आप इसे खोल देंगे और बहुत ही अच्छा सा आइडिया है फ्रेंड हो सके तो शेयर कीजिएगा ताकि और बहनों को भी हमारी इससे हेल्प मिल सके क्योंकि बहुत लेडीज़ों के साथ ऐसा होता है खासकर मेरे साथ तो बहुत बार ये हुआ है इस तरीके से आप टाइट नेल पेंट के ढक्कन को आसानी से खोल पाएंगे इसके जो आगे टॉपिक शेयर कर रही वो तो बहुत ही खास होने वाला है फ्रेंड देखिए अक्सर होता है क्या हमें कभी कभी कहीं बाहर जाना पड़ता है पिकनिक वगैरह पे या फिर कहीं पे भी आप समझ लीजिए जहाँ पे हमें रुकना पड़ जाता है तो होता है कि हम इस तरीके से ब्रश लेके जाते हैं साथ में और जब इस तरीके से खड़ा करके रखते हैं तो वो गिर जाते हैं या फिर इस तरीके से रखते हैं तो होता है क्या ये गीले रह जाते हैं इसके अंदर पानी भरा रह जाता है इसके ब्रशल्स में और इसके नीचे भी मतलब के ब्रश के आपने पानी देखा होगा तो ये सूखते नहीं है जिससे इसके अंदर कीटाणु और जम्स बैठ जाते हैं ये बहुत ज़्यादा हाइजीनिक होते हैं हमारे दांतों में बैक्टीरिया पैदा कर सकते हैं तो आपको करना क्या है इस तरीके से अपने साथ क्लोथ क्लिप ले जानी है और इसे स्टैंड इस की तरह आप यूज कर सकते हैं ये देखिए फ्रेंड आपको अलग से स्टैंड ले जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी ब्रश स्टैंड और देखिए इस तरीके से आप चुटकी में ही अपने ब्रश को लगाकर खड़ा कर देंगे तो जो भी इसके अंदर पानी होगा रिमूव हो जाएगा और ये ड्राई बने रहेंगे इसमें कोई भी कीटाणु वगैरह नहीं पनपने के तो है ना फ्रेंड कमाल का आइडिया छोटी सी टिप्स है लेकिन बहुत ही ज़्यादा काम की है हमारी सेहत से जुड़ी हुई है तो आप इस टिप्स को शेयर जरूर कर दीजिएगा अगला टॉपिक है फ्रेंड हमारा दिया बाती को लेकर अक्सर होता है क्या जब भी हम पूजा करते समय इस तरीके की जो लंबी वाली बाती होती है ना उसे जलाते हैं तो होता है क्या ये बाती थोड़ी सी देर तो थो जलती है लेकिन फिर ये मतलब नीचे की तरफ जैसे ही जलती जलते नीचे पहुँचती है ये बुझ जाती है यानी कि पूरा ऑयल हमारा रह जाता है और ये बाती मतलब बुझ जाती है तो आपको करना क्या है आपके साथ एक इतनी बड़ी टिप्स शेयर कर रही हूँ जो आपको काफी पसंद आने वाली है आपके दिए में तेल भी नहीं बचेगा और आपकी बाती भी दिए के बीच में बुझेगी नहीं इस तरीके से देखिए फ्रेंड बुझ जाती है ना बीच में तो आपने करना क्या है आप आपके पास कोई नया सेफ्टी पिन रखा है ना वो ले ली लीजिएगा क्योंकि हम इसे पूजा में यूज करने वाले हैं इस तरीके से पिन को थोड़ा खोल देंगे हम अब देखिए फ्रेंड इसके जो पीछे हॉल होता है पिन के इसी के अंदर हम बाती को एडजस्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से अब ये बाती बिल्कुल भी नहीं बुझेगी क्योंकि इसकी जो थोड़ी सी मतलब लो है आगे की ये ऊपर को थोड़ा सा उठ जाएगी ना तो फिर बीच में बुझने वाली नहीं है मतलब कि इसमें जितना भी तेल है ऑयल है ये सब अपने आप ही जल जाएगा यानी कि आपका दिया बीच में नहीं बुझेगा क्योंकि बीच में दिया बुझना शुभ नहीं माना जाता है तो क्यों ना हम इस टिप्स को फॉलो कर लें फ्रेंड एक पिन की सहायता से आप दिए को जला सकते हैं आपकी बाती कभी भी नहीं बुझेगी जब तक ऑयल रहेगा तब तक आपकी बाती बुझने वाली नहीं है टिप्स छोटी सी है लेकिन बहुत ही कारागार है फ्रेंड आप चाहे तो इसे यूज कर सकते हैं ये देखिए फ्रेंड अब ये बाती बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरेगी और ना ही ये बूझेगी अब इसके अगला टिप्स है फ्रेंड बहुत ही अच्छा है ये भी तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा कोलगेट ले रही हूँ कोलगेट और अब मैं लूँगी थोड़ी सी यहाँ पर वैसलीन हाँ फ्रेंड थोड़ी सी वैसलीन ले लेनी है वैसलीन ज़्यादा हमें नहीं लेनी है आपको इस बात का ध्यान रखना है थोड़ी सी वैसलीन लेनी है और कोलगेट की मात्रा हमें थोड़ी ज़्यादा रखनी है तो ये हम बनाएंगे एक बहुत ही अच्छा सा सोल्यूशन इसका यूज कैसे करना है वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी तो सबसे पहले हम इसे मिक्स कर लेते हैं और फ्रेंड यहाँ पर देखिए अगर आपके पास में ये वैसलिन नहीं है ना तो आप इसकी जगह पर क्रीम भी ले सकते हैं हाँ फ्रेंड कोई भी आपके पास क्रीम है जो आप फेस पर लगाते हैं तो वो आप ले सकते हैं थोड़ी सी ये ले लीजिएगा बस इसकी क्वांटिटी आपको ज़्यादा नहीं रखनी है इतना ही आपने ध्यान रखना है तो कुछ भी ले सकते हैं आप चाहे क्रीम ले लीजिएगा या फिर आप वेस्लिन ले लीजिएगा दोनों एक ही वर्क करने वाली हैं अब ये सोल्यूशन हमारा बन के रेडी हो जाएगा क्योंकि इसका टेक्स्चर बिल्कुल एकदम क्रीमी हो जाएगा अच्छे से फेटना है ताकि ये इक्वल हो जाए अब चलिए फ्रेंड इसका यूज भी करते हैं अब ये हमारा बहुत ही स्मूथ पेस्ट सा बन के तैयार हो चुका है यूज करने के लिए आप सभी से रिक्वेस्ट है फ्रेंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अब इसकी क्लीनिंग करेंगे हम चश्मे की हाँ फ्रेंड चश्मे की क्लीनिंग हम करने वाले हैं अब कि चश्मा बहुत जल्दी गंदा हो जाता है इसके जो तो ग्लासेज होते हैं ना उस पर स्क्रैच पड़ जाते हैं हम ज़्यादा रगड़ते हैं ना इधर उधर की चीज़ों से या कपड़े से तब भी आपने देखा होगा इसमें बहुत ज़्यादा चिकनाई जम जाती है या फिर इसके ग्लास भी धूमले पड़ जाते हैं तो आप इस सोलूशन से बनाकर अगर ग्लास को यानी कि क्लीन करने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छे से चमक जाते हैं प्लस इससे एक फ़ायदा और होने वाला है जो हमने इसके अंदर क्रीम ऐड की है वो इसलिए की है क्योंकि इसमें एक साइन आ जाए हाँ फ्रेंड जो कोलगेट है वो क्लीनिंग का काम करेगा और जो ये हमने वेस्लिन और क्रीम मिलाई है ये साइन का काम करेगी यानी कि इसमें स्क्रैच वगैरह नहीं आने देगी आपके बर्तन में या फिर चश्मे में या शीशे में एकदम से चमक आ जाएगी तो इस तरीके से हम इसे लगा लेते हैं अब क्या करेंगे फ्रेंड मैंने थोड़ा सा यहाँ पर हल्का सा गुनगुना पानी लिया है और देखिए मैं आपको धो के भी दिखा देती हूँ इसकी कंडीशन कैसी हो गई बहुत ही अच्छी हो गई है फ्रेंड इसमें मतलब कि थोड़ा सा भी मुझे कहीं पर भी गंदगी नहीं दिख रही थी और ये थोड़ी सी साइन भी कर रही थी अब चश्मे को भी हम क्लीन कर लेते हैं आपने ध्यान ये रखना है कि कॉटन के कपड़े से आपको क्लीन कर लेने हैं ये आराम से कर लीजिएगा आप क्लीन और बहुत अच्छे चम चमा जाते हैं ऐसा लगता है जैसे अभी हमने न्यू बाज़ार से खरीदे हैं तो आप कभी कभी इस तरीके से भी अपनी चीज़ों को क्लीन कर सकते हैं यहाँ तक कि शीशे पर बहुत अच्छे से वर्क करती है आप शीशे की क्लीनिंग अगर कर रहे हैं चाहे चश्मे के हों कटोरी हो कांच की या फिर शीशा हो तो बहुत अच्छे से ये करता है ये वाला सोल्यूशन आप बनाकर इसे रख भी सकते हैं आप हफ्ते भर तक भी इसे यूज कर सकते हैं या फिर रोज या फिर कभी कभी आपको ज़रूरत पड़े तो आप बना सकते हैं फिर मिलूंगे नई वीडियो साथ तब तक के लिए राम राम जी